तो आज का टॉपिक है हीलिंग द हार्ट सभी के पास हार्ट है हुँ? ये जो टॉक है पिछले अगले 45 मिनट लगभग ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास हार्ट है बिना हार्ट वालों के नहीं हु? जिनके पास हार्ट है वो ध्यान से सुने है इस प्रोग्राम को हम कहते हैं थ्री हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी अच्छा दिस इज़ नॉट ए प्रोग्राम ओनली फॉर हार्ट डिजीज़ बट also फॉर हैप्पी माइंड एंड healthy बॉडी ये हमारा माउंट आबू का हॉस्पिटल है जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल इसको मैंने अप्रैल नाइन्टी फाइव में ज्वाइन किया दिल्ली से छोड़ के दिल्ली में बिफोर दिस आई वॉज एट स्कॉट हस्टिट्यूट ये हमारा नीचे ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर है जहाँ पर मैं अभी सेवाएँ दे रहा हूँ अब वाई वी नीड दिस थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर वाई हैव दिस मॉडल ऑफ हेल्थ ए न्यू मॉडल ऑफ़ हेल्थ क्योंकि मॉडर्न हेल्थ केयर इज ओनली वन डायमेंशनल इट एड्रेस ओनली द बॉडी जिस तरफ बॉडी का इलाज करती है चाहे हम किसी भी पैथी में चले जाएँ स्पेशली मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी होम्योपैथी वॉट एवर बेसिक हमारा फोकस बॉडी के ऊपर है जितने भी मेडिकल स्कूल्स हैं भारत में या विश्व में वो सब बॉडी के बारे में पढ़ाते हैं माइंड के बारे में या के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं होती है होती है क्या नहीं होती ना और आप पिछले तीन दो दिन में समझे होंगे कि हम कौन है यह जो एच ओ की डेफिनेशन आप सबने सुनी है हेल्थ फॉर ऑल डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्परिचुअल वेलबींग नॉट एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मेटी इसी डब्ल्यू एच ओ ने एक नाइनटीन सेवेंटी सेवन में अलमा अटाम मीटिंग किया था दो 200 देशों के हेल्थ प्लानर आए थे एंड दे प्लान ए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल बाई टू थाउजेंड दो हजार तक सबको हेल्दी बनाएंगे एटलीस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हेल्थ देंगे क्या हुआ सब हेल्दी बने क्या देखिए अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें आज फिजिकल हेल्थ का क्या स्टेटस है सारे विश्व में ये, ये इंडिया का सर्वे है दिल्ली मुंबई कलकत्ता और चेन्नई चार मेजर कॉस्मोपलिटिस एडल्ट में क्या क्या स्टेटस है एक क्वेश्चनार बनाया गया उनका देखा गया कितने लोगों को कितनी बीमारियाँ हैं चेकअप भी किया गया थोड़ा तो पाया गया तीस परसेंट लोगों को हर तीसरे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है चौदह परसेंट लोगों को हार्ट डिजीज है दस परसेंट लोगों को डायबिटीज़ है चालीस परसेंट लोग ओबीज हैं या मोटे हैं दस परसेंट लोग को रेस्पिरेटरी सांस की तकलीफें हैं पैंतीस परसेंट लोगों को जी आर डी है एसिड पैप्टी डिजीज़ है बीस परसेंट लोगों की हड्डियों की तकलीफें हैं दस परसेंट को स्किन की प्रॉब्लम्स हैं आई एन ई एन टी प्रॉब्लम दस परसेंट लोगों को है कैंसर पाँच परसेंट लोगों को हैंड एक दस परसेंट कोई माइग्रेने माइग्रेनस हेड एक और टेंशन हेड एक और कई तरह के और हेड एक होते हैं क्लस्टर हैड एक इन्फेक्शन दस परसेंट को है और हार्मोनल प्रॉब्लम्स हाइपोथायरॉडिज़म और कुछ बीमारियाँ वो पाँच परसेंट लोगों को तो सौ लोगों को दो सौ बीमारियाँ हैं और अगर आप भी अपने अंदर देखेंगे हालांकि आप डॉक्टर्स हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं तो आपको भी दो दो तो अपने अंदर मिल जाएंगी ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएंगे हुँ? हैं सभी के पास कोई ऐसा तो नहीं शोध नहीं हो सबके पास कब कभ कभी कई, कई लोग पाँच पाँच छः छः भी हैं कई लोग बहुत लक्की हैं तो उनको सात आठ भी हैं है ना सबके पास प्रॉब्लम्स हैं मन की हालत क्या है आज लगभग एटी परसेंट लोग टाइप ए हैं टाइप ए मीन्स ऑलवेज अंडर प्रेशर ऑफ टाइम प्रेशर ऑफ वर्क परफेक्शनिस्ट प्रेशर ऑफ हैबिट्स हर चीज़ में एक्यूरेसी टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर के कारण पंक्चुअलिटी एक्यूरेसी कंपटीशन, ऐसा है कि नहीं कंपैरिजन, ऐसे लोग पे है होते हैं पॉलीफिजिक एक समय बहुत सारे काम करते हैं ऐसे लोगों को तीन गुणाधिक हार्ट अटैक्स होते हैं और उसके ऊपर सिनिसिज्म, फाइंडिंग फॉट विद अदर्स दूसरे में दोष देखना अवगुण देखना है रिवेंजफुल बिहेवियर ऐसे लोगों को बहुत लंबे लंबे ब्लॉक्स होते हैं ना लेजीनेस फियर ईगो अटैचमेंट ग्रीड लस्ट एंजाइटी एंगर गुस्सा करना कोई नहीं चाहता है पर करते सब हैं सब करते हैं कि नहीं करते जो गुस्सा नहीं करते कभी वो उठाओ जो कभी गुस्सा नहीं करते कोई नहीं उठा रहा है ना आपने उठाया आपकी वाइफ से कंफर्म करना पड़ेगा ना है ना हाँ अच्छी यहीं पर बहुत अच्छा है क्योंकि कई बार मेरे पास जो पेशेंट्स आते, आते हैं ना जो हार्ट के पेशेंट्स आते हैं ओ में साथ में वाइफ आती है या वाइफ या हस्बैंड हस्बैंड वाइफ बीमार है तो हस्बैंड साथ में होता है हस्बैंड बीमार है तो वाइफ साथ में होती है मेरे पास आने के लिए दोनों का आना बहुत ज़रूरी है अभी भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो सब जो पेशेंट्स हैं उनके साथ उनके वाइफ या हस्बैंड आए हुए हैं अभी भी हमारा मनमोहिनी वन में एक हार्ट का प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि मैं जब कहता हूँ अच्छा आपकी आर्टरीज में इतने इतने आठ ब्लॉक कैसे आ गए कहते डॉक्टर साहब पता नहीं कैसे आ गए मैं कभी गुस्सा करते हैं क्या कहते डॉक्टर साहब मैं तो कभी गुस्सा नहीं करता तुरंत वाइफ बोलती है डॉक्टर साहब इनके नाक पे गुस्सा रहता है हमेशा है न मतलब गुस्सा करने वाले को पता नहीं लगता मैं गुस्सा करता हूँ कि नहीं करता हूँ वो नेचुरल हैबिट समझता है ना अपनी इसलिए पता नहीं लगता है डिप्रेशन आज भारत में बीस लोगों को डिप्रेशन है दस लोग मेडिकेशन पर हैं जितनी एफ्लुन कंट्रीज़ हैं यूके ऑस्ट्रेलिया और और देश वहाँ तो 25-30 परसेंट लोगों को डिप्रेशन है आपको शायद हाई हाई लग रहा होगा किंतु रियली में ऐसा है और इंसोमिया 10 परसेंट लोगों को नींद नहीं आती दवाई खा के सोते हैं और ये हमारे सोशल हेल्थ है हेट्रिट जेलिसी कॉम्पिटिशन डेकोइटिस रेप्स एंड मर्डर्स आज का न्यूज़ है और ये स्परिचुअल हेल्थ है आइडेंटिटी क्राइसिस फैमिली के लेवल पे हम आपस में लड़ रहे हैं पति पत्नी माँ बाप बच्चे हमेशा और समाज के लेवल पे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है ग्लोबल टेररिज्म हो रहा है इसका कारण क्या है लैक ऑफ स्परिचुअल एजुकेशन इसका तरीका क्या है ठीक करने का स्पिरिचुअल एजुकेशन सही ढंग से हो कि मैं भी आत्मा हम भी हम सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं तो क्या होगा वैल्यूज़ अगर लाइफ में आएंगे तो क्या होगा आइडेंटिटी क्राइसिस भी खत्म हो जाएगा कम्युनल राइट्स भी खत्म हो जाएंगे और टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा नहीं हैप्पीनेस किसे कहते हैं हैप्पीनेस क्या है हैप्पीनेस इज लाफ्टर लाफ्टर हैप्पीनेस है क्या आप लोग हम लोग जोर जोर से हंसते हैं वो हैप्पीनेस है क्या आपने रामायण सीरियल देखा नहीं देखा देखा रामायण सीरियल उसमें हंसता कौन रहा मुस्कराता कौन रहा रावण मुस्कुरा रावण हंसता रहा और राम मुस्कुराता रहा तो क्या है वॉट इज हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग ये हैप्पीनेस अंदर की बात है एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट अंदर से आता है बाहर से नहीं आता है उसमें हंसने की आवश्यकता नहीं है है क्या हंसने की आवश्यकता इज एनी वन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड कोई खुश है इस दुनिया में क्यों खुश नहीं है हमेशा खुश रहते हो क्या क्यों नहीं है बिकॉज हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटलेक्ट अगर आपकी मन और बुद्धि पवित्र है ना शुद्ध है तो ये आप खुश रह सकते हैं अदरवाइज नहीं रह सकते मन में अशुद्धता है बुद्धि में कुछ और चल रहा है ये कैसा ये ऐसा उसको ऐसे कर दूं उसको ऐसे कर खुश रह सकते हैं नहीं रह सकते पीस अगर शांति है मन में तो खुश रह सकते हैं अगर आप ट्रुथफुल हैं सत्यता में हैं तो आप खुश रह सकते हैं निर्भयता है तो खुश रह सकते हैं तो अगर डर लग रहा है तो खुश रह सकते हैं पावर ऑफ टॉलरेंस अगर आपके अंदर सहन शक्ति है तो आप खुश रह सकते हैं आज का इंसान गुब्बारे की तरह है फूक भरते जाओ हवा भरते जाओ फूल के गुब्बारा बन जाता है एक आदमी निडल लेके आता है प्रिक कर देता है इतना सा हो जाता है है ना आज के इंसान को महिमा मिलती रहे सफलता मिलती रही जब फूल के समझता है मुझे मेरे जैसा कोई है ही नहीं है कोई थोड़ा क्रिटिसिज्म कर दे कोई परेशानी आ जाए घबराहट आ जाए कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो छोटा सा हो जाता है मुख छोटा सा हो जाता है नहीं ऐसा नहीं होता इजी नेचर सरल स्वभाव वाला व्यक्ति खुश रह सकता है मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए खुश रह सकता है स्वीटनेस जो मधुर बोलता है मीठा बोलता है वो खुश रह सकता है लार्ज हार्टेडनेस जिसका दिल बड़ी है ये दिल बड़ी नहीं ये दिल बड़ी सांस फूल जाएगा नहीं उदारता उदारता माना दूसरों की गलतियों को समा लेना हमारे घर में बाहर प्रोफेशन में लोग गलतियां करते हैं हमें क्रिटिसाइज करते हैं हमारी ग्लानी करते हैं इंसल्ट भी कर देते हैं तो उसमें उसको समा लेना एम्पैथी कंपेशन दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना लव सच्चा प्यार स्वार्थी प्यार नहीं और सेक्रीफाइस त्याग और संतुष्टता आज 95% परसेंट से अधिक बीमारियाँ है, साइकोसोमेटिक हैं अर्थात साइकी माना माइंड पहले माइंड में आती हैं फिर बॉडी में आती हैं और स्ट्रेस रिलेटेड हैं इसलिए आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती जा रही हैं ब्लड प्रेशर डायबिटीज पचास साल पहले नहीं थी सेवेंटीज़ के पहले एक या दो परसेंट होती थी आज ये ये बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है दे आर इनक्योरेबल क्योरेबल है इनक्योरेबल है सारी उम्र दवाई खाओ ब्लड प्रेशर की डायबिटीज की हार्ट डिजीज की कैंसर की जी की माइग्रेन की ठीक नहीं होता है टम्परेरी ठीक होता है फिर वापस आ जाता है वॉट इज द सोल्यूशन क्या सोल्यूशन है यह मैं आपको प्रेजेंट करता हूं प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ थ्री डायमेंशनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस जो रिसर्च हमने किया उसके बारे में आप अगर देखिए अगर ये दो हजार पंद्रह की फिगर्स हैं भारत की तो उस समय छ पॉइंट दो करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी थी नाइनटीन सिक्सटी में एक परसेंट लोगों को थी और उसके बाद दो हजार जब मैं नाइन्टी फोर में जब मैंने छोड़ा दिल्ली नाइन्टी फाइव में उस समय लगभग सात आठ नौ आठ परसेंट थी और अभी लगभग पंद्रह परसेंट के आसपास है हार्ट की बीमारी चौदह पंद्रह परसेंट तो छः पॉइंट दो परसेंट छः पॉइंट दो करोड़ लोगों को डॉक्यूमेंटेड केसेज हैं ई प्रूवन केसेज हैं और हर हार्ट पेशेंट के पीछे दो 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 या तीन हार्ट पेशेंट छुपे होते हैं तो उस हिसाब से लगाओ तो कम से कम भारत में पंद्रह से बीस करोड़ लोग हार्ट के पेशेंट हैं और हार्ट अटैक किसको आ सकता है किसको आ सकता है जिसके पास भी हार्ट है जिसके पास हार्ट नहीं उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता है नहीं आ सकता है कई बार हम समझते हैं हमारी तो आर्टरी अभी बीस तीस परसेंट ब्लॉक है पच्चीस साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है क्यों हमारी जो एट्टी सिक्स परसेंट हार्ट अटैक्स आते हैं सेवेंटी परसेंट से कम ब्लॉक में आते हैं सेवेंटी परसेंट हार्ट अटैक्स जो है फिफ्टी परसेंट आर्टरी ब्लॉक होती है उससे कम कम ब्लॉक में आती है उसका हम कोई एंजियो बाईपास नहीं करते हैं तो और उसमें से थर्टी सेवन मिलियन मतलब लगभग सिक्सटी परसेंट से ज्यादा पेशेंट पचास के नीचे की एज में है उस साल उनतीस लाख लोग मरे हार्ट अटैक से हार्ट की बीमारी से उसमें से पंद्रह लाख लोग पचास के नीचे थे इट इज़ नॉट ए सो इट इज़ नॉट ए डिजीज़ ऑफ ओल्ड पीपल एनी मोर न ये मैं कुछ पेशेंट्स आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ ये मिस्टर मित्तल हैं रोहतक से हैं ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ स्मोकिंग ओबेसिटी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनका दो हज़ार सात में एन जीओ हुआ दो हज़ार दस में फिर बंद हो गया दोबारा से एन जी हुआ दो हज़ार चौदह में इनको फिर तकलीफ हुई फिर इनका बाईपास हो गया भारत में दिल्ली के एक प्रीमियर हॉस्पिटल में हुआ तीन महीने के बाद ही फिर तकलीफ़ हो गई फिर ये हॉस्टन चले गए यूएसए में चले गए यूएसए में जाके देखा तो इनके सारे ग्राफ्ट्स ब्लॉक हो गए थे जितने भी ग्राफ्ट लगाए थे ना बाईपास में सब बंद हो गए थे तीन महीने चार महीने के बाद ही फिर उन्होंने सब सारे ग्राफ्ट की एंजियो हो गई वापस बेलून एंजियो कर दी और फिर चार महीने के बाद फिर तकलीफ हो गई ये देखिए इसकी एंजियोग्राफी देख सकते हैं आप है ना देख रहे हैं आप सारे ग्राफ्ट ब्लॉक हो गए उधर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सारे ग्राफ्ट ब्लॉक हो गए ठीक है और स्टैंड्स भी सारे बंद पड़े अभी क्या करे आदमी क्या करेगा अब दोबारा से और बाईपास कराए या और एन जी प्लास्टिक कराए अब देखिए ये आदमी है एक पतला दुबला सा आदमी 47 इयर्स ईयर्स ओल्ड ना ब्लड प्रेशर है ना डायबिटीज़ है ना ओबीज है कभी स्मोकिंग भी नहीं की इन्होंने और वेजिटेरियन है नेचुरोपै ने, ने, नेचुरल डाइट क्या बोलते हैं इसको आपकी जो हर्बल नेचुरोपैथी डाइट होती है जो वो वाली डाइट ऑब्जर्व करते हैं आर एस एस में है रोज एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर इन पतले दुबले हैं वेट 55 फाइव के जी था इनका तो हमारे पास है इनको 2013 में एन हुई फिर 2014 दो तो 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 में दोबारा एन हुई 2015 में बाईपास हुआ उसके बाद भी तकलीफ है दो महीने बाद भी फिर तकलीफ है फिर एक पेशेंट और देखा था मैं आपको ये एक दूसरा पेशेंट है ये भी 44 फोर ईयर्स के हैं इनको ब्लड प्रेशर है डायबिटीज़ है और इनके तीनों आर में लंबे लंबे ब्लॉक है नॉन ऑपरेबल है भारत में जो हार्ट की बीमारी होती है फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ हार्ट पेशेंट्स हैव गो डिफ्यूज डिजीज ब्लॉक इतने लंबे लंबे हैं उनकी एंजियोप्लास्टी हो ही नहीं सकती उनका बाईपास ही नहीं हो सकता लंबे लंबे ब्लॉक्स हैं नॉन ऑपरेबल केस है ठीक है अभी एक एक लेडी है एक एक एनजीओ की डायरेक्टर हैं साठ साल की हैं 2009 में नौ से पहले उनकी ठीक थी 2009 में उनकी एन जी हुई 2011 में फिर एन जी हुई 2012 में फिर बाईपास कराना पड़ा 2013 में फिर एन जी हुई फिर 2013 में एक और एन जी हुई फिर दो हज़ार चौदह में एन जी हुई फिर भी तकलीफ उसके बाद फिर दोबारा दो में फिर एन जी हुई जब हमारे पास आई तो पचास मीटर भी चल नहीं पाती थी तो सात बार उनकी एन हुई और एक बाईपास हो गया और पतली दुबली है पांच फुट छः इंच की हैं वज़न साठ किलो है क्या करें अभी ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कुछ भी नहीं है उसको शिजना डायबिटिक नॉट हाइपरटेंसिव स्मोकिंग भी नहीं की कभी लेडी हैं तो नहीं की होगी नहीं अब एक और इसी इसकी इस आप एंजियोग्राफी देख लीजिए देखिए आप देख रहे हैं आप दिखाई दे रही है आपको शुरुआत से ब्लॉक है शुरुआत से ब्लॉक हैं एल एम सी ए में एल ई डी में एल सी एक्स में है ना और वो भी बंद हो गए एक और भाई हैं चंडीगढ़ के हैं साठ साल के हैं 2006 में जो प्लास्टिक दो हजार में पहले दो स्टैंड लगे 2014 में फिर फिर दो स्टैंड लगे तीन स्टैंड लगे और उसके बाद 2016 में फिर दो स्टैंड और लगे अभी भी 100 मीटर नहीं चल सकते हैं फिर हमारे पास आया अभी तो नॉर्मल है तो मतलब इस तरह के केसेस हैं मतलब भारत में इतने डिफ्यूज डिजीज है इतने लंबे लंबे ब्लॉक्स होते हैं जिनकी एनजियो बाईपास कितनी बार भी कर लो तो ठीक नहीं होने वाले तो स्टेट ऑफ आज की जो मेडिकल देखिए ये देखिए देख रहे हैं इनकी एनजियोग्राफी ऐसी एनजियोग्राफी है अब आज की जो मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न हार्ट केयर क्या करती है एनजियो करती है स्टेंट लगाते हैं हम तो मेटल स्टेंट या मेडिकेटेड स्टेंट ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट लगा देते हैं बाईपास करते हैं और स्टैटिंग यूज़ करते हैं ये बेसिकली क्या क्या हैं इसेंशियली प्लेटिव है, है? है. इससे बीमारी की जड़ खत्म नहीं होती है डज नॉट एड्रेस द रूट कॉज रूट कॉज क्या है जीन्स है पहली बात तो जो माता पिता से हमको जीन्स मिलते हैं और मेंटल मेंटल स्ट्रेस है है ना जो आज सबके पास है आप में से कोई ऐसे को मेंटल स्ट्रेस ना हो एनी गुड एक तो है कम से कम दो है वेरी गुड और डाइट डाइट एक बड़ा भारी कारण है एक्सरसाइज एक कारण है रॉन्ग एक्सरसाइज लोग एक्सरसाइज करते हैं रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं राइट एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या होती है मैं आपको बताऊंगा फिर नींद लोग सोते हैं अपनी मर्जी से सोते हैं बारह बजे सोते हैं आठ बजे उठते हैं है ना दो बजे सोते हैं दस बजे सोते दस बजे उठते हैं सोने का टाइम हमारे अंदर घड़ी है एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें सोने का टाइम है दस बजे उठने का टाइम है, है चार बजे उस घड़ी की नहीं सुनते हैं अपने प्रोफेशन के सुनते हैं प्रेशर्स में खाने का टाइम पीने का टाइम सब कुछ करने का टाइम लेट करते हैं तो और टबैको यूज़ तो ये इसका आज हमारा इलाज वन डायमेंशनल है और हार्ट की बीमारी साइकोसोमेटिक है लाइफस्टाइल डिजीज़ है आपको ये थोड़ा सा पता होगा वैसे सभी को जानते होंगे हार्ट हमारा हार्ट की आर्टरीज नॉर्मल कैसी होती हैं नॉर्मल कैसी होती हैं बचपन में हमारी आर्टरीज इलास्टिक होती हैं तो छः गुना सप्लाई बढ़ सकती है डायलेट हो जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ हाई कोलेस्ट्रॉल स्मोकिंग करते हैं तो हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं तो आर्टरीज हमारी इलास्टिक की वजह प्लास्टिक जैसी बन जाती हैं डिमांड पड़ने पर फिजिकल या मेंटल डिमांड बढ़ने पर आर्टरीज डायलेट नहीं होती हैं सप्लाई नहीं बढ़ती है डिमांड सप्लाई मिसमैच होने से जब सेवेंटी परसेंट आर्टरी बंद हो जाती है तो हमारी हमें एंजाइना होता है और जब अचानक आर्टरी क्रैक हो जाती है जल्दी चिंता गुस्सा करने से उदास होने से डरने से अपने मन की टेंशन शेयर ना करने से तो आर्टरी क्रैक होकर क्लॉट अचानक क्लॉट बन जाता है सो सडन हंड्रेड परसेंट ब्लॉकेज लीड्स टू हार्ट अटैक ओके देखिए आप इसमें देखिए इस, इस डायग्राम में कैसे हमारी आर्टरीज कैसे ब्लॉक हो रही है शुरू में आर्टरी नॉर्मल है धीरे धीरे पहले एंडोथिलियम डैमेज होती है फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है फिर आर्टरी जब सत्तर अस्सी परसेंट बंद हो जाती है उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं एक स्टैंड डाल के अंदर छोड़ देते हैं ऐसे बाईपास बाईपास फिर स्टेंट बंद हो जाते हैं बाईपास करते हैं ये बाईपास एंजियोप्लास्टी ऐसे जैसे कि एक पेड़ को ऊपर से काट दिया जड़ अंदर ही है फिर हवा पानी मिलता है फिर पेड़ बड़ा हो जाता है मेरा यहाँ आने का कारण भी मेरा रिसर्च करने का कारण भी यही था हम लोग एंजियोप्लास्टी करके भेजते थे लोगों की बाईपास हो जाते थे तीन महीने में छः महीने में एक साल में किसी के दो साल में वापस बंद हो जाती थी नए ब्लॉक्स आ जाते थे हम एनजियोग्राफी दोबारा करते थे हम कहते हैं अभी पहले एक ब्लॉक हमने एक स्टैंड लगाया अभी आपको दो स्टैंड लगाने की आवश्यकता है पहला स्टैंड बंद हो गया दूसरा अभी एक जगह और ब्लॉकेज बढ़ गया है अभी दो लगाना या बाईपास करा लो हम कहते हैं ढाई लाख जमा करा दो तीन लाख और जमा करा दो ढाई लाख पहले लगाया दो लाख पहले लगाया था अभी ढाई लाख या तीन लाख फिर जमा करा दो तो पेशेंट कहीं मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब पहले ही एनजीओ प्लास्टिक जो हमने स्टैंड लगवाया घर बेच के लगवाया अभी तब से हम घर में ही हैं हमने पत्नी के घेने भी बिक गए अब हम क्या बेचें इस बात ने मुझे बहुत अंदर से स्टिमुलेट किया या कहते हैं तीर क्या लगा निशाने पर लगा ना तो मेरी बुद्धि बदल गई कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों की जड़ ठीक हो जाए बीमारी की जड़ ठीक हो जाए अब अभी जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है प्राइमरी डिजीज़ केयर सिस्टम है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहते हैं ना एक्चुअली हमारी क्या होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिजीज़ केयर होनी चाहिए क्या होनी चाहिए हेल्थ Health, केयर नहीं क्या होनी चाहिए डिजीज़ केयर होनी चाहिए 2008 की बात मैं बताता हूँ आपको भारत अमेरिका में 60 तो, मतलब 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स 2100 बिलियन डॉलर खर्च किया हेल्थ में उन्होंने उसमें से पचानवे परसेंट से अधिक डॉलर जो खर्च किए उन्होंने सिर्फ इलाज करने में खर्च किए बीमारी होने के बाद और सारी बीमारियाँ द आइसबर्ग है द आइसबर्ग समझते हैं दस परसेंट ही बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर होता है हिमखंड ऊपर होता है दस नाइन्टी परसेंट नीचे होता है तो हमारे अंदर बीमारियां पनप रही होती हैं बहुत समय से किंतु हम सिर्फ बाहर दस परसेंट का इलाज कर, करते हैं अंदर जो बीमारी बन रही है उसका हमें कोई प्रिवेंशन का को कोई साधन हमारे पास नहीं उसमें हम आ पाँच परसेंट से भी कम हेल्थ बजट यूज़ करते हैं प्रिवेंशन के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अमरीका की यूएस की दो की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वहाँ लगभग बीस लाख लोगों को हार्ट अटैक होते हैं हर साल इस उस साल उन्होंने तेरह लाख लोगों की एनजीओ प्लास्टिक की साठ बिलियन डॉलर खर्च किए और चा, चार साढ़े चार लाख बाईपास किए और उसमें चालीस बिलियन डॉलर खर्च किए मतलब एक बिलियन डॉलर दो प्रोसीजर्स पर किए आज भी हमारा हेल्थ का बजट एक बिलियन डॉलर नहीं है और हमारे भारत में सत्तर लाख लोगों को हर साल हार्ट अटैक होते हैं सेवेंटी सेवन मिलियन और उसमें से हम दो लाख लोगों के लगभग एंजियोप्लास्टी करते हैं और लगभग हम एक या सवा लाख बाईपास करते हैं बाकी लोग कितना कितना करते हैं हम कर सकते हैं हम क्या हम सत्तर लाख लोगों के एंजियोप्लास्टी प्लास्टिक बाईपास कर सकते हैं एक साल में सारा बजट अगर हम हेल्थ का पूरा सारे टोटल अपना है ना वो जो अपना पूरा बजट खाली एनजीओ प्लास्टिक बाईपास में लगाए तो भी नहीं कर सकते कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है जितनी स्टडीज मैंने ऊपर लिखी ना है करेज ट्रायल मास टू ट्रायल्स ट्रायल, ट्रायल।, ट्रायल है, स्टोन हैं इसमें बताया गया हार्ट अटैक्स इन स्टेबल पेशेंट्स इससे बीमारी खत्म नहीं होती बल्कि और ज्यादा हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं एनजियोप्लास्टिक करने के बाद टेंडेंसी अनस्टेबल हो जाता है बाईपास कराने के बाद देखा गया सोलो को बाईपास करें तो पाँच साल पे लगा कि तीन लोग तीन परसेंट लोगों की आयु बढ़ी है सौ लोगों में से तीन की आयु बढ़ी है दस परसेंट दस दस साल उनको फॉलो किया पता लगा उस किसी की आयु नहीं बढ़ती है एक हमें लगता है कि हमने बाईपास करा लें सेफ हो गए सेफ नहीं होते और जबकि आप लाइफ अगर बदल दें हेल्दी लाइफ अपना लें जैसे आजकल शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना तो सीज़न पे दिवाली पे क्या होता है बाई वन गेट वन फ्री और यहाँ पर क्या है आप लाइफ बदल दें तो क्या होगा आपकी पूरी की पूरी खाली हार्ट की बीमारी नहीं ऊपर से लेके नीचे तक मन और तन की सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी नहीं और ऐसा हमने देखा जैसे आपने देखा ना ये प्रदीप शेट्टी हमारे पास आया था हार्ट की बीमारी के लिए ई एफ कम थी है ना तो उसकी ई तो बड़ी अस्थमा खत्म हो गया थोड़ी देर में ट्यूमर हुआ प्रोस्टेट का वो भी ठीक हो गया हमारे पास ये हार्ट के पेशेंट आए थे ना जगदीश भाई आई थी हार्ट हार्ट की बीमारी पर डायबिटीज़ भी ठीक हो गई है ना? ई एफ भी इम्प्रूव हो गया है ना ब्लॉक्स भी निकल गए और वो बीस थे एक सौ पाँच किलो कितना हो गया अभी आधा हो गया है नहीं और हमने कोई एफर्ट नहीं की कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं की डाइट तीनों टाइम खाई तीन टाइम भोजन खाया दो टाइम फल खाया शाम को दूध पिया सुबह को दूध पिया ऐसा नहीं कि छः बार खाया छह बार खा के भी क्या हुआ वेट कम हो गया ऐसा नहीं डाइटिंग नहीं कराई है उसको ना अपने यहाँ कैसे कम हुआ तो ये जो है इससे खाली हार्ट की सब बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं इंटर हार्ट स्टडी आप सभी जानते होंगे तीस हज़ार लोगों पे हुई बावन देशों में हुई पांचों कॉन्टिनेंट में हुई और उसमें देखा गया कि अगर आप लाइफ बदल दें उसमें मुख्य है मेंटल स्ट्रेस फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाओ डेली वॉक करो तो नब्बे से ज़्यादा हार्ट की बीमारी खत्म हो सकती है और ये हम जीन्स की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कल भी आपको बताया गया था, बताया गया था इसके बारे में जीन्स के बारे में टीलोमियर टीलोमराइज एक्टिविटी है ना ये 2009 में पब्लिश हुई थी स्टडी इसमें नोबल प्राइज़ मिला इसके लिए हेल्दी एजिंग के लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने लोगों को एक ग्रुप ऑफ पीपल को मेडिटेशन कराया डाइट लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट दी और लाइफ में मुख्य बात उन्होंने क्या की बेसिकली उन्होंने कहा कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार सोना है बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार उठना है उसके बाद मेडिटेशन करना है फिर सैर करनी है फिर आपको नाश्ता लंच डिनर प्लानिंग से करना है टाइम पर करना है तो सिर्फ इतना करने तीन महीने में क्या हुआ हंड्रेड्स ऑफ जीन्स जो बीमारी वाले जीन्स थे वो क्या हुए जीन एक्सप्रेशन बदल गया लेंसेट में पब्लिश हुआ हार्ट हार्ट की बीमारी के जीन्स कैंसर के जीन्स ओबेसिटी के जीन्स डायबिटीज के जीन्स ब्लड प्रेशर के जींस गठिया के जीन्स एस के जीन्स टर्न ऑफ हो गए तीन महीने के अंदर और प्रोटेक्टिव जीन्स टर्न ऑन हो गए क्या ख्याल है करना है मेडिटेशन नहीं करना है? आपके पास टाइम होगा तो मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा थोड़ा ब्रीफली साइंटिफिक एंगल से यह स्टडी हमने जो ये स्टडी सामने देख रहे हैं आप ग्लोबल हॉस्पिटल पहले तो स्कॉट के कनेक्शन कोलाबोरेशन बनाई थी बाद में मैंने शिफ्ट कर लिया तो फिर डी आर डी के साथ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम इसके वन ऑफ़ द कॉर्डिनेटर्स थे इस्टी के है ना क्योंकि मैंने जब मेरे मन में ये आइडिया आया तो मैं डॉक्टर कलाम साहब से शेयर हुआ और उसके बाद डी आर डी ओ के साइंटिस्ट डी आर डी ओ ने मुझे पूरी मदद की इस प्रोग्राम को और दिल्ली के दिल्ली अहमदाबाद और मुंबई तीन मेडिकल कॉलेज इनको हमने कोलाबोरेशन किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको स्पॉन्सर किया ये स्टडी हमने दो हज़ार ग्यारह में पब्लिश की इंडियन हार्ट जर्नल में माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल के नाम से और ये स्टडी 2013 में हमको बताया गया यूएस से यूएस में एक ल, वो है बॉडी है बायोमेड लिब उन्होंने बताया वो सारे वर्ल्ड की स्टडीज को इकट्ठी करते हैं कार्डियोलॉजी की मेडिसिन की अलग अलग सर्जरी के फील्ड में तो लगभग दो मिलियन रिसर्च हर साल होती हैं तो उन्होंने बताया कि आपकी आपकी स्टडी रिसर्च है जो ये सबसे ज़्यादा विजिट किया लोगों ने इसको डॉक्टर्स ने रिसर्चर्स ने पब्लिक ने तो टॉप ट्वेंटी स्टडीज इन द वर्ल्ड, टॉप ट्वेंटी स्टडीज इन द वर्ल्ड में आपकी स्टडी नंबर वन पे है और लगातार दो साल चार महीने नवंबर 2015 तक ये नंबर वन पे रही मतलब इतने लोगों ने इसको विजिट किया लगातार नंबर वन पे रही ना टॉप टेन सॉन्ग सॉन्ग्स होते हैं ना फिल्मों के सॉन्ग्स होते हैं इस तरह से स्टडीज़ का भी टॉप ट्वेंटी होता है ना वर्ल्ड में ना तो भारत की स्टडी और टॉप ट्वेंटी में रहे और नंबर वन पे रहे ये बहुत बड़ी बात थी है ना फिर ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन उन्होंने 2017 में साइंटिफिक स्टेटमेंट निकाला मेडिटेशन एंड कार्डियोवेस्कुलर रिस्क रिस्क रिडक्शन उसमें ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ हार्ट डिजीज और और भी बीमारियाँ ओबिसिटी वगैरह सबका रिस्क रिडक्शन कैसे होता है हार्ट की बीमारी कैसे ख़त्म हो सकती है मेडिटेशन का क्या रोल है उसमें मैंने सिर्फ दो स्टडीज को डॉक्यूमेंट किया एक डी नॉनिश और, और एक ये स्टडी भारत की माउंट आबू ओपोन आट्र ये देखिए स्टडी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की तो जल्दी ही किताब ये ये किताब किताबों में भी आ जाएगी स्टडी है ना हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी आ जाएगी तो ये जो है ये स्टडी मल्टी स्टडी है इसमें कार्डियोलॉजिस्ट एंडोकोलॉजिस्ट क्लिनिशियंस स्परिचुअलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट फिटनेस एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट हम लोगों ने इक्कीस साल से इक्कीस साल से हम काम कर रहे हैं फरवरी 98 में शुरू किया था अभी क्या है फरवरी दो हजार उन्नीस साल हो गए ना लगभग तो तब से हम काम कर रहे हैं और ये हमने जैसे माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल मैंने पब्लिश किया अभी दूसरा ट्रायल अंडर पब्लिकेशन आबू हेल्थी हार्ट ट्रायल इसमें दोनों में क्या फर्क है दोनों में एनालिसिस किया हमने दोनों में अपने एजी, एजी किया, हार्ट, हर्मौन, हर्मौन हार्ट रेट वेरिएबिलिटी किया सारे हार्मोन्स किए स्ट्रेस हार्मोन्स हैप्पी हारमोन्स स्टडी किए और फिर उनको सात दिन का ट्रेनिंग कोर्स विद द पाउज हमारे पास जैसे रहते हैं अभी भी लोग रहे हुए हैं और सात दिन उनको ट्रेनिंग पूरी देते हैं पूरी बॉडी के बारे में पूरे हार्ट के बारे में पूरा बीमारी कैसे होती है ब्लॉक्स कैसे होते हैं डायबिटीज़ क्यों होती है ब्लड प्रेशर क्यों होता है और फिर उनको कैसे उसको चेंज करना है राजयोग मेडिटेशन से कैसे उसको चेंज करना डाइट कैसे लेनी एक्सरसाइज और प्रैक्टिकली खाते हैं प्रैक्टिकली वही काम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं और सिर्फ डिफरेंस दोनों में क्या था डाइट वही एक्सरसाइज दोनों ग्रुप सेम डाइट एक्सरसाइज सेम मेडिकेशन सेम कि दूसरा मेडिटेशन का टेक्निक इसमें राज, एक एक ग्रुप में राजू का मैटी दूसरे में आप जो भी कर रहे हैं प्रेयर करते हैं प्राणायाम करते हैं जो भी करते हैं और ज़्यादा करिए नमाज पढ़ते हैं चर्च में जाते हैं गुरुद्वारे जाते हैं और ज़्यादा जाइए पर जल्दी चिंता गुस्सा मत करिए और फिर एक साल में एंजियोग्राफी की गई अस्सी लोग हमारे ट्रिपल वेसल डिजीज और डबल वेसल डिजीज़ वाले थे सारे डाटा हमने एक इंडिविजुअली मतलब हमने इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया गया और एनजियोग्राफी को हमने सी ने कार्डोलिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया और उन पैनल ने दो लोगों को इंडिपेंडेंट लोगों ने उसको एनालाइज़ किया और कोडिंग कर दी ताकि कौन सी एनजियोग्राफी पहले वाली कौन सी किसकी है कौन सी बाद वाली है तक पता ना लगे ताकि बायस ख़त्म हो जाए तो जो लोग सौ मीटर भी चल नहीं पाते थे वो लोग तीन तीन किलोमीटर चलने लगे लगभग लग जो लोग मतलब जो नाइट्रेट्स खाते थे एंजाइना के लिए उनके बंद हो गए और कंट्रोल रूम में और ज़्यादा बढ़ गए बल्कि है ना ब्लड प्रेशर की दवाई कम हो गई डायबिटीज़ की दवाई कम हो गई लोगों की इंसुलिन छूट गई है ना और पाँच सौ परसेंट से ज़्यादा उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ गई और इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट की जो पंपिंग पावर बताई ना एवरेज दस परसेंट बढ़ी एवरेज इनकी वजह से इनकी बड़ी पच्चीस से पचपन हो गई नॉर्मल सिक्सटी परसेंट होती है, है ना इनका बैड कोलेस्ट्रॉल थर्टी वन परसेंट कम हो गया गुड कोलेस्ट्रॉल सिक्सटीन परसेंट बढ़ गया और टाइगलेसाइड कम हो गया और 93 परसेंट पेशेंट्स के ब्लॉक खुले जो कंट्रोल ग्रुप में बल्कि उनका चार परसेंट ब्लॉक बढ़ गया अब देखो एंजियोग्राफी आप देख लीजिए सामने देखिए उधर तो आप देखेंगे एट्टी ब्लॉक है निकल गया है ना काफ़ी हद तक ये देखिए इतना लंबा ब्लॉक है डिफ्यूज डिजीज़ है ये देख खुल गया ये 100 परसेंट ब्लॉक है हमारे स्टडी में 50 लोगों को 100 परसेंट कैल्सीफाइड ब्लॉक्स थे उसमें से उनतीस लोगों के ब्लॉक खुल निकल गए 100 परसेंट कैल्सीफाइड ब्लॉक भी निकल गए जो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये हंड्रेड परसेंट ब्लॉक निकल गया है ये देखिए मल्टीपल ब्लॉक सारे खुल गए हैं ये एट्टी और नाइन्टी परसेंट ब्लॉक निकल गया है इस पेशेंट को दो बार हार्ट अटैक आया हार्ट की पंपिंग थर्टी परसेंट हो गई थी अभी इसकी पंपिंग फोर्टी फाइव परसेंट हो गई ना हार्ट की वापस रीजनरेशन हो गया हमारा कॉर्डियम का ये इसका एटी परसेंट ब्लॉक निकल गया है ये देखिए इसकी हार्ट की पंपिंग इसी पेशेंट की पिछले पेशेंट की इजेक्शन फैक्शन ट्वेंटी परसेंट रह गई थी हार्ट डायलेट हो गया था अभी फिफ्टी परसेंट हो गई रीजनरेशन हो गया मायाकॉडियम का ये 100 परसेंट ब्लॉक निकल गया कंट्रोल ग्रुप में ब्लॉक और बढ़ गए आप जो मेरे पर रिपोर्ट्स आती हैं लगभग हर महीने 200 रिपोर्ट्स आती हैं सारे भारत से और विश्व के और देशों से भी आती तो हम हमें एनजियोग्राफी देख के हमें पता चल जाता है इस आदमी की नेचर कैसी होगी क्योंकि हर ब्लॉक के पीछे हमारे थॉट पैटर्नस हैं थॉट पैटर्न समझते हैं सोचने का ढंग है कोई आदमी बहुत टाइप नेचर के लोग होते हैं कोई बहुत एनजाइटी रखते हैं कोई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कोई लोग इमोशनल होते हैं कोई डिप्रेशन में होते हैं कोई सीनिसिजम वाले होते हैं दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं कोई हॉस्टाइल नेचर के होते हैं ना तो एनजियोग्राफी देख के पता लग जाता है कहाँ पर इसकी नेचर कैसी है कोई अपने मन की बातें शेयर करते हैं कोई नहीं शेयर करते एक एक बात उनकी एनजियोग्राफी देख के पता लगती है उनका आपसी व्यवहार कैसा होगा लोग हाथ की देख हाथ की रेखा देख के बताते हैं ना आपका पास्ट और भविष्य क्या है हम एंजियोग्राफी देख के बता सकते हैं है? कैसे क्योंकि हम हम पेशेंट्स का साइकोलॉजिकल जैसे पहले दिन पेशेंट आएंगे साइकोलॉजिकलिस एनालिसिस करते हैं जल्दी चिंता गुस्सा कितना उदासी कितनी है लाइफ स्टाइल कैसा है तो और फिर सातवें दिन फिर करते हैं तीन महीने के बाद फिर करते हैं छः महीने बाद फिर करते हैं फिर छः महीने बाद एनजियोग्राफी कराते हैं दोबारा तो कौन सा ब्लॉक खुला कौन सा नहीं खुला तो हम उससे एनालाइज़ कर सकते हैं हमारे पास नाइन थाउजेंड पेशेंट्स का डाटा बेस है तो हमको पता लगता है कि ये पेशेंट के अंदर कौन सा ब्लॉक किस कारण से खुलता है किस कारण से नहीं खुलता है कौन सा साइकोलॉजिकल पैरामीटर चेंज हुआ तो क्यों ये ब्लॉक खुला ये चेंज नहीं हुआ तो ऐसे कैसे रह गया ये चीज़ और बढ़ गई तो ये ब्लॉक भी बढ़ गया समझ में आई आप ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई थी ना ये पहली बार हम समाज के सामने लाने वाले हैं इसका डाटा हमने बनाया और तैयार कर रहे हैं इसका एनालिसिस करा रहे हैं जैसे इस पेशेंट की देखिए ना ये एंजियोग्राफी जो हमने की थी इसमें सारे ब्लॉक बढ़ गए ना इसने वही डाइट खाई है जो जो डाइट हमको लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट डेली एक्सरसाइज भी की है इन स्पाइट ऑफ दैट ब्लॉक बढ़े हैं हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं वो हमारी एंडोथिलीम को डैमेज करते हैं वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल एंटर करता है जब तक आप मन को परिवर्तन नहीं करेंगे अपने थॉट पैटर्न्स को परिवर्तन नहीं करेंगे उसको आप राजयोग मेडिटेशन से परिवर्तन कर सकते हैं तब तक आपका ब्लॉक निकल नहीं सकता भले आप जीरो ऑयल डाइट खाओ केलेशन थेरेपी कराओ कुछ भी कराओ अर्जुन की छाल पियो जो मर्जी खाओ हुँ? कुछ भी कर लो प्राणायाम करो शवासन करो उल्टे लटक जाओ कुछ भी हो जाए आज जब तक आप मन को नहीं बदलेंगे तब तक आपके ब्लॉक निकल नहीं सकते ठीक है ये हंड्रेड ये ब्लॉक देखिए बढ़ गया है एक पेशेंट का और देखिए ये हंड्रेड परसेंट ब्लॉक है इस पेशेंट को कैल्सीफाइड ब्लॉक है हंड्रेड परसेंट कट ऑफ है पूरा है ना और देखिए जब उसने रिपीट किया एंजियोग्राम तो पूरी आर्टरी खुल गई नहीं है ये है ना उस पेशेंट ने मेहनत की है ना राइट right? इसलिए इसलिए देखिए ये टाइप ए नेचर चेंज हो गई टाइप भी बन गई एनजाइटी कम हो गई डिप्रेशन कम हो गया एंगर ठीक हो गया लाइफ बदल गया और ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग बदल गई है ना कंट्रोल ग्रुप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाए हम ये लोगों ने स्मोकिंग करना, करना छोड़ दिया शराब करना छोड़ दिया कंट्रोल ग्रुप में कंट्रोल ग्रुप वालों ने छोड़ा किंतु क्या हुआ फिर दोबारा शुरू कर दिया ठीक है अब हमने ईजी किया था पेशेंट्स का कि मेडिटेशन की डेप्थ क्या है उनकी क्या हमने जो सिखाया उससे कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया नॉर्मली हमारी ब्रेन में बीटा एक्टिविटी होती है तेरह से अठारह हर्ट्स मतलब साइकिल्स पर सेकेंड तेरह से अठारह बार ऐसे ऐसे होता है और जब हम पीसफुल होते हैं ना शांत होते हैं आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारी अल्फ़ा एक्टिविटी होती है आठ से बारह बार ऐसे ऐसे होता है और जब हम सबको एक्सेप्ट करके सो हल्के सो जाते हैं तो उसे हम थीटा रिदम कहते हैं चार से सात बार और गहरी नींद में होते हैं ना तो डेल्टा रिदम कहते हैं एक से तीन बार होती है बहुत आराम से होती है तो हम बीटा को तो नॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं विद आई इज़ ओपन और अल्फा को हम पीसफुल रिदम कहते हैं थीटा को हम लवफुल रिदम कहते हैं यू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर और डेल्टा को हम कहते हैं हैप्पी एंड ब्लिसफुल रिदम कहते हैं और सात दिन के बाद ही आप देखिए क्या हुआ देख लीजिए ऊपर देखिए ऊपर अल्फा एक्टिविटी कितनी बढ़ गई ऊपर वाली लाइन में नीचे नीचे देखिए बीटा कम हो गया है थीटा लवफुल रिदम बढ़ गई है और हैप्पी एंड ब्लिसफुल रिदम भी बढ़ गई सिर्फ सात दिन में आइज ओपन के साथ बेटर बेटर एक्सपीरियंस करते हैं इसलिए राज्योग मेडिटेशन आईज ओपन के साथ करते हैं आंखें खुली खुली करते हैं आपने जो सुना है ना अभी दो दिन में इसका एविडेंस है ये सारा जो भी सूरज भाई बात कर रहे थे या शिवानी बहन ने बात की या जिसने भी डॉक्टर्स ने जो बातें की हैं उसका प्रूफ है ये प्रैक्टिकल प्रूफ है ना एल्फा एक्टिविटी बढ़ती गई सातवें दिन ही काफ़ी बढ़ जाती है बीटा एक्टिविटी कम होती गई थीटा रिदम भी बढ़ गई सात दिन में सिग्निफिकेंट बढ़ गई और डेल्टा रिदम भी एक साल एक साल के बाद इतनी बढ़ गई कि अब आप आँख खोल के काम करते हुए इतने रिलैक्स रहते हो जैसे कि आप सो रहे हो थकावट नहीं होती इसलिए हम लोग साढ़े तीन उठते हैं साढ़े दस सोते हैं सात दिन अठारह घंटा काम करते हैं पर आंखें उत हम उतने ही फ्रेश रहते हैं सुबह भी और रात को भी ठीक है चार घंटे सोते हैं यूजली है ना तो आप भी ऐसे रह सकते हैं है ना ये हमने फिर हार्ट एट वेरिएबिलिटी हमारे अंदर दो सिस्टम है हाइपोथेलिस से शुरू होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम सिंपैथेटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जब इमरजेंसी होती है टेंशन होती है तो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स चालू होती है फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स और एक रिलेक्सेशन सिस्टम है वो हमारा जब हम पीसफुल होते हैं तो वो शुरू होता है तो हमने देखा जो पेशेंट्स हमारे पास पहले दिन आए तो ये लाल वाला देख रहे है? लो फ्रीक्वेंसी पावर ये सिंपथेटिक ये, सिस्टम ये है वो एकदम फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में थे लड़ने या मरने को तैयार थे है न और बीटा एक जो हाई फ्रिक्वेंसी पावर उसको कहते हैं पैरासिम्पेटिक एक्टिविटी वो रिप्रेजेंट करती है वो बहुत लो थी सात दिन उन्होंने यहाँ मेडिटेशन किया डाइट एक्सचेंज की एक्सरसाइज चेंज की, की नींद प्रॉपर की तो ये देखिए सातवें दिन कितना अच्छा बैलेंस हो गया और एक साल में तो कंप्लीट हारमोनी हो गई तो हमें क्या चाहिए लाइफ में चैलेंज आएंगे पर यू हैव टू फेस चैलेंजेस विद ए रिलैक्स्ड माइंड नहीं नॉट इन ए फाइटिंग मोड तो ये प्रैक्टिकली आपको करना अगर करना है तो मेडिटेशन करने से राज्यों का मेडिटेशन करने से फायदा सात दिन में ही हो जाएगा आपको आप खुद भी अभी महसूस कर रहे हैं महसूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने अंदर रिलैक्सेशन कर रहे हैं थॉट स्पीड कम हुई कि नहीं हुई चलो बीटा रिदम जब हम हमें बीटा रिदम कहते हैं तो हमारी थॉट थॉट फ्रीक्वेंसी भी इतनी होती है जितनी वो पर मिनट होती है ये पर सेकेंड होती है तेरह से अठारह मैंने बताया तेरह से अठारह पंद्रह थॉट पर मिनट सेवेंथ आठ थॉट्स पर मिनट सिक्स थॉट्स पर मिनट फोर थॉट्स पर मिनट उसकी बजाय जब जल्दीबाजी करते हैं तो बीस थॉट पर मिनट है ना चिंता करते थे पच्चीस थॉट पर मिनट चिड़चिड़ापन करते हैं तो तीस थॉट पर मिनट गुस्सा करते हैं तो चालीस पैंतीस थॉट पर मिनट जोर से गुस्सा करते चालीस थॉट पर मिनट ठीक है इस तरह से तो ये हमारे हमने स्ट्रेस हार्मोन भी करके देखे एडिनल लेवल और नॉन एडिन लेवल करके देखे सातवें दिन ही कम हो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं सातवें दिन और उसके बाद कम होते रहते हैं छः छः महीने पे एक साल पे दो साल पे कम होते चले गए और फिर हमने हैप्पी हार्मोन्स करके देखे हैप्पी हारमोन समझते हैं एंडॉर्फिन बीटा एंडॉर्फिन लेवल सातवें दिन ही सिग्नीफिकेंटली ज़्यादा हो गए मतलब जब आप शांत रहते हैं खुश रहते हैं तो आपकी एंडार्फिन निकलते हैं नेचुरल मॉर्फिन निकलती है आपके अफीम निकलती है अंदर से एक हमारे दिल वाले हैं पीछे बैठे हैं वो अफीम खाते थे है ना वो बताएंगे मैंने अफीम कैसे छोड़ी है ना ठीक है वो शराब भी पीते थे सिगरेट भी पीते थे सब कुछ करते थे कैसे उन्होंने शराब सब कुछ छोड़ दिया एक 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 मिनट में छोड़ दिया अफीम छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है ना उन्होंने समझा कि मेरे को जो अंदर से मॉर्फिन निकल रही है तो अफीम निकल रही तो मैं बाहर से क्यों खाऊं तो एक मिनट में छोड़ दिया उन्होंने आप कितने साल हो गए छोड़, छोड़े हुए है ना तो आपको शेयर कर अपने शब्दों में शेयर करेंगे तो ये कैसे और सीरोटोनिन बढ़ जाता है एक हफ्ते में ही बढ़ता रहता है और मेडिटेशन जो करते हैं ना हठियोग करते हो ना आप हठियोगा करते हो दूसरी चीज़ें करते हो ट्रांसजेंडर करते हो उसमें इफेक्ट तब तक रहता है जब तक आप मेडिटेशन कर रहे हो ये मेडिटेशन करते हुए करने के बाद उसके बाद ये इफेक्ट सारी लाइफ चलता है क्योंकि राजो मेडिटेशन क्या है चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस मैं दे नहीं मैं कौन हूँ दे को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस मेरा नाम मैं स, मैं कौन हूँ मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता नहीं कौन हूं मैं आत्मा हूं शरीर का नाम सतीश गुप्ता है प्रोफेशन डॉक्टर का है ये परिवर्तन हो गया ना तो ये चेंज करने से हमारी पूरी रिदम हमेशा के लिए परिवर्तन हो गई हार्मोन सदा के लिए परिवर्तन हो गए ठीक है तो हमने अभी फिर इंसुलिन करके देखा शुगर लेवल्स किए ग्लाइसेमिक कंट्रोल देखा आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में कौन सी है सारे वर्ल्ड में कौन सी है इंसुलिन रेजिस्टेंस 60 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी शुगर लेवल उनकी इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं क्योंकि स्ट्रेस रहती है कॉटिसोल लेवल निकलता है उससे इंसुलिन निकलती है ज़्यादा लीवर से ग्लूकोज निकलता है उसको कम करने के लिए इंसुलिन निकलती है तो इंसुलिन भी ज़्यादा है शुगर भी लगभग बॉर्डर लाइन हाई रहती है उससे ब्लड हाई इंसुलिन लेवल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है हाई इंसुलिन से हमारा एच गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है बैड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और इससे इससे क्या होता है शुगर डायबिटीज होती है इवन कैंसर में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस रोल पाया गया है जीआरडी में हड्डियों की बीमारियों में भी कैंसर का रोल इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का रोल पाया है ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियाँ ख़राब होती ना कमर खराब ये डिस्क निकल गई घुटने खराब हो गए गर्दन खराब हो गई काफ़ी सारी बीमारी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का रोल पाया गया और हमने देखा कि हमारे पेशेंट्स की पचास यूनिट इंसुलिन अस्सी यूनिट इंसुलिन एक हफ़्ते में छूट जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं उनको मेडिटेशन कराते हैं कॉर्टिस कम हो जाता है कॉर्टिस कम होता है तो क्या होता है वो जो साइकिल है ना लीवर से वो बंद हो जाती है और ग्लूकोज का वो इंसुलिन लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं और इधर बॉडी अपनी इंसुलिन खुद बनाने लगती है तो क्या होता है नेचुरल इंसुलिन तो अपने आप ही इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो हमारे पेशेंट्स में इंसुलिन भी बंद हो गई और उसके बाद ओवरऑल इंसुलिन लेवल कम हो गया मतलब तेरह पॉइंट दो परसेंट बंद हो गया significant, significant कम हो गया सिग्निफिकेंटली हाईली सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंसुलिन लेवल कम हो गए तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई रेजिस्टेंस खत्म हो गया ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया इसलिए ब्लड प्रेशर की दवाई भी कम हो होगी पांच पाँच गोलियाँ के बजे आधी गोली आ गई एक गोली आ गई डायबिटीज़ की दवाई कम हो गई कोलेस्ट्रॉल की दवाई खत्म हो गई मोटापा कम हो गया जैसे बताया ना मोटापा क्यों हुआ ये बिजनेस थे ना जो भी आए थे सारे देश में घूमना पड़ता था कभी यहाँ होटल में कभी सराय में कभी धर्मशाला होटल में रहना पड़ता था बाहर खाते थे सारा टाइम जब से मेडिटेशन करना शुरू किया बाहर का खाना बंद है ना तो अपने आप ही खाना बनाया हमने कहा खाना अपना आप अपने आप बनाया करो बाहर जाते हो तो अपना खाना लेके जाओ अपने आप बनाओ तो बारखाना बंद हुआ और प्लस कंट्रोल की एक्टिविटी को ठीक हो गए है ना तो इस तरह से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई अब ये साइंस ऑफ थ्री हेल्थ केयर क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ माइंड क्या है माइंड के चार एस्पेक्ट हैं टीम कहते हैं उसको थॉट्स इमोशन एटीट्यूड एंड मेमोरीज हार्ट की बीमारी किसे किस क्यों होती है ये तो हार्ट तो हमारा फिजिकल हार्ट है एक हमारा सूक्ष्म हार्ट है इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं कॉन्शियस कहते हैं दिल कहते हैं आत्मा का दिल अंतरात्मा कहते हैं चेतना कहते हैं अब आपकी चेतना में क्या है अगर आपकी चेतना में आपके माता पिता हैं, भाई बहन है बच्चे हैं बीबी है, बी -बी है पति है तो क्या है वो जो कुछ करते हैं उससे आपको हर्ट होता है सड़क पे चलते आदमी से हर्ट होता है क्या उससे हार्ट की बीमारी होती है और 10 साल की उम्र से शुरू हो जाती है ब्लॉक होना और धीरे धीरे ब्लॉक बिल्डअप होते हैं तो आप क्या करो अपने दिल में से किसको निकालो को निकालो पहले तो मैं देह इसको निकालो फिर क्या फिर किसको निकालो अपने माता पिता को निकालो भाई बहनों को निकालो पति पत्नी को निकालो बच्चों को निकालो घर से मत निकालना कहां से निकालो अपनी कॉन्शियसनेस में से निकालो उसमें किसको बिठाओ एक तो ये कहो मैं आत्मा हूं डी से से कहता हूं आत्मा बाबा बाबा मिन्स परमात्मा सी मै कनेक्शन आत्मा परमात्मा के संबंध को बिठाओ उसको अनुभव करो डी ड्रामा ये संसार रूपी ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है बहुत अच्छा जो ना सबसे अच्छा दिल में ये बिठाओ तो आपकी हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी करनी है ठीक आप लोगों को सिखा सकते हो अब देखो योग योग यो माना क्या है वॉट इज योगा योगा मीन्स कनेक्शन कनेक्शन विद वॉट कनेक्शन विद द ट्रूथ मेडिटेशन क्या चीज़ है कनेक्शन विद द ट्रूथ वॉट इज द ट्रूथ टू क्वालिटीज ऑफ द ट्रूथ ट्रूथ इज एटर्नल बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ पहली बात है ट्रूथ एटर्नल होता है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ उसका जन्म और मृत्यु नहीं होती ट्रूथ इज़ अनचेंजेबल इट ऑलवेज रिमेंज द सेम तो एक इंसान में क्या है ट्रूथ क्या है एक इंसान में जिसके बेस पे लोगों की ब्लॉकेज खुलती है बोलो क्या है क्या चीज़ है ट्रूथ क्या है एक इंसान का ट्रूथ बॉडी तो बदल रही है जन्म हुआ मृत्यु देहांत हो गया ना मर गई ना बॉडी नाम भी किसका है बॉडी का नाम है ना ये भी बदल सकता है रोल भी बदल रहा है रोज ना मैं घर में डॉ ऑफिस में हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ घर में डॉक्टर हूँ क्या वहाँ बाप हूँ पिता हूँ है ना बाप हूँ या मतलब पति हूँ या किसी का भाई हूँ किसी का बेटा हूँ ना बदल गया ना रोल तो ये मैं नहीं हूँ कौन हूँ मैं बींग ह्यूमन बींग ना ये अपने को रियलाइज करना तो ये इस चीज़ को रियलाइज़ करना जैसे कोई सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है मर जाता है तो क्या कहते हैं बॉडी ले जाओ ना डॉक्टर ये बोलते हैं बॉडी ले जाओ क्या नहीं अभी पेशेंट आया था बॉडी कैसे बन गई अब इसी डेड बॉडी से कोई टिश्यू मैचिंग करके आप एक अंग हार्ट निकाल के उसमें लगा दो दूसरे दूसरे पेशेंट में जिसको आवश्यकता है उसकी ई एफ टेन परसेंट हो गई तो यह हार्ट वहाँ काम करना शुरू कर देगा कैसे कैसे शुरू हुआ किया आत्मा निकल गई तो काम नहीं कर रहा है दूसरे में आत्मा है तो वहाँ काम करना शुरू कर दिया समझ रहे है? तो चलाने वाला कौन हार्ट को चलाने वाला कौन किडनी को चलाने वाला कौन आंखों आँको, आंखों से देखने वाला कौन मुख से बोलने वाला कौन से सुनने वाला कौन कभी मुर्दे सुनते हैं क्या मुर्दे बोलते हैं क्या हा? तो ये अपने आप को गहराई समझो कि मैं कौन कौन हूं हूं माई तो ये ह्यूमन बींग्रन कंसेप्ट है्यूमन बींग का ह्यूमन बींग स्पिरिचुअल मेंटल एंड फिजिकल तीन एनर्जी का कंटिन्यूम है इंसान स्पिरिचुअल एनर्जी मेंटल एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी और हेल्थ क्या हेल्थ इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी तीनों एनर्जी की हार्मनी है और एक 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 खुशी की खुशी खबर क्या है ओनली सोल एंड फ्यू मेमोरी सेल्स इन द ब्रेन आर कंटिन्यूस विद लाइफ मोर देन नाइन्टी नाइन पॉइंट एट परसेंट सेल्स ऑफ द होल ह्यूमन बॉडी चेंज विद इन एवरी थ्री मंथ्स टू टू ईयर्स पूरी स्किन भी हमारी तीन महीने में बदल रही है आरबीसी बी एक सौ बीस दिन में बदल जाती है ना डब्ल्यू बी सी चार दिन में बदल जाती है प्लेटलेट चार दिन में बदल जाती है हमारी पूरी स्किन की लाइनिंग तीन महीने में बदल रही है अंदर की लाइनिंग जी आई टी की जी आई की सांस की फेफड़ों की लाइनिंग हमारे हार्ट की आर्टरीज की लाइनिंग तीन महीने में बदल रही है पूरा हार्ट दो साल में बदल रहा है हड्डियाँ भी दो साल में बदल जाती हैं पूरी आते दो साल में बदल जाती हैं किस आधार पर आपकी टीम के आधार पर मन में क्या टीम माना आपके क्या विचार हैं क्या भावनाएं है, क्या वृत्ति है कैसी मृत्यु आपके मन में मेरी आर्टरी ब्लॉक है तो नहीं नई आर्टरी कैसी बनेगी ब्लॉक वाली ही बनेगी ना नहीं बनेगी आपको पता है मेरे को कैंसर है तो नई सेल्स कैसी आएंगी वापस कैंसर वाली आएंगी ना नहीं तो आपके मन में क्या थॉट लेकर के आना है आपको अगर आप अपने मन में ये इसको रियलाइज कर लो अनुभव कर लो कि मेरी आर्टरी क्लीन है आपको एक बार अनुभव हो जाए मेडिटेशन के अंदर मेरी आर्टरी खुल गई उस थॉट को आप तीन महीने ऐसे पकड़ के रखो वही भावना वही स्मृति पक्की कर दो तो तीन महीने में जो नया हार्ट बनेगा ना उसमें आर्टरी ब्लॉक नहीं होंगे ये हमने बहुत सारे लोगों में देखा ये दिल वाले जो बता रहे हैं, मेरी पाँच ब्लॉक खुल गए हंड्रेड परसेंट कैसे खुल गए ऐसे खुल गए ये कैसे बढ़ गई ऐसे बढ़ गए कि मेरा हार्ट कैसा है मेरा हार्ट ठीक हो गया सिक्सटी परसेंट पावर हो गई एक बार रियलाइज हो गया फिर उसी अनुभव को बार बार रिपीट करे जा रहे है रिपीट अनुभव कर रहे हैं रिपीटेडली कंसिस्टेंटली अनुभव वही हो गया और वही चेंज आ गया बॉडी में ठीक है हमारी शरीर में एक हमारी बॉडी में अस्सी हज़ार अरब कोशिकाएं हैं एटी थाउजेंड बिलियन सेल्स हैं एक कोशिका में एक सेकंड में एक लाख रिएक्शन होती है आप जल्दीबाजी करते हो ना जब टाइम प्रेशर वर्क एक, एक लाख बीस हज़ार होती है चिंता करते हो तो एक लाख चालीस हज़ार होती है चिड़चिड़ करते हो तो एक लाख साठ हज़ार होती है गुस्सा करते हो तो एक लाख एक लाख अस्सी हज़ार जोर से गुस्सा करते हो दो लाख होते हैं दो लाख हो जाए और हमारी बॉडी एक, एक से एक लाख से ज़्यादा टॉक्सिन को बाहर निकाल नहीं सकती है एक से एक सेकेंड में निकाल देती है वैसे इसकी वजह अपोजिट आप, आप शांति में आ जाओ तो अस्सी हज़ार रिएक्शन होती है रूहानी प्रेम सबको एक्सेप्ट कर लो तो साठ हज़ार होती है खुशी माना इच्छाओं से परे चले जाओ तो चालीस हज़ार होती है आनंद में आ जाओ तो बीस हज़ार होती है तो क्या करना चाहते हो आप इसलिए कहते हैं पीस हील्स लव हील्स हैप्पीनेस हील्स ब्लिस हील्स ठीक है तो कहां से लाओगे शांति प्यार खुशी दुकान पे मिलती है क्या फार्मेसी में मिलती है क्या कहां से लाओगे वो मेडिटेशन से आएगी ठीक है तो ह्यूमन बीइंग क्या है ह्यूमन प्लस बीइंग ह्यूमन वर्ल्ड कहां से ह्यूमस से आया उसका मतलब है सॉयल एस ओ आई एल और बींग माना लाइफ फोर्स लाइफ फोर्स मैं सोल क्या स्पेलिंग में क्या फ़र्क है सोयल है सोल में आई एंड यू है ना अगर आप सॉइल कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस तो उसमें आईनेस और माइनस आती है ईगो एंड अटैचमेंट आती है और अगर आप यू यू मैन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और सुदैव कुटुमकम तो ये हमारा आउटर सेल्फ है ये हमारा इनर सेल्फ है आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हो तो अनस्टेबिलिटी आती है इनसे उससे पांच विकार जन्म लेते हैं काम क्रोध अहंकार और उससे नेगेटिव टेंडेंसीज पैदा होती है टाइप ए बिहेवियर जेलसी लेजीनेस केयरलेसनेस सिनिसिज्म हॉस्टिलिटी सस्पिशियसनेस एज्यूमिंग नेचर एनजाइटी फियर पैदा होता है ठीक है और उससे स्ट्रेस पैदा होती है जब आपका स्ट्रेस होती है तो आप गलत खाना खाते हो मूड डिसाइड्स योर फूड सोचे ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं जब आपका मन में कड़वाट होती है ना मन में तो मीठा खा के उसको कंपनसेट करते हो जब अंदर ड्राइनेस फील करते हो तो मीठा तो फ्राई खाने को दिल करता है तला हुआ खाने को दिल करता है जब बहुत बोरिंग महसूस करते हो चटपटा खाने को दिल करता है और खाना ही पड़ता है डायबिटीज़ भले हो फिर भी करते नहीं एक बार खा लो अभी तो मीठा बाद में देखा जाएगा शुगर बढ़ेगी देखा जाएगा है ना हार्ट की आर्ट्री भले तीनों बंद हो तो भी पकोड़ा खा लेंगे समोसा खा लेंगे अगर ड्राई अंदर से महसूस कर रहे हैं तो नहीं खाते नहीं खाते हो कहते खाए मरना तो है ही खा पी के मरेंगे है ना सुना आपने तो ये जो है रॉन्ग फूड खाते हैं ये ये लोग आउट ऑफ कॉन्शियस वाले लोग खाने के लिए जीते हैं खाने में खुशी ढूंढते हैं और रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठे अंधेरे, अंधेरे अंधेरे उठे और बिना पेट साफ के चल दिए सैर करने के लिए और बातें करते हुए सैर करने जाते हैं जब हम बातें करते सैर करने जाते हैं तो आधे फेफड़े में सांस जाता है और जो खून साफ होने आया बिना खून साफ हुए वापस हार्ट में पहुंच जाता है तो गंदा खून वापस सप्लाई होता रहता है नहीं ऐसा और एक बार हम सांस लेते हैं तो उससे पाँच बार खून खून की वही वही खून की सप्लाई होती है चौदह बार सांस लेते हैं बीस सत्तर बार हार्ट चलता है तो पाँच बार हुआ नहीं हुआ एक सांस का कनेक्शन तो पाँच बार गंदा खून सप्लाई करते हैं एक चिंता का सांस लेते हैं गुस्से का सांस लेते हो आधे फेफड़े में सांस जाता है क्या प्यार की बातें करते हो चलते हुए कौन सी बातें करते हो चलते फिरते उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया उसने कौन से कौन से थॉट्स आते हैं मन में प्यार के थॉट्स आते हैं क्या शांति खुशी के थॉट्स लाते, लाते, लाते हो क्या कौन से थॉट्स लाते हो है ना चिंता के गुस्से के उदासी है ना ये तो थॉट्स आते हैं ना नहीं आते और ये फिर रॉन्ग ऐसे आदमी को नींद आएगी क्या वो दस बजे सोने नहीं जाता है बारह एक बजे सुने जाता है है ना फिर वो ऐसा आदमी टेंशन में दिखाई देता है फिर लोग ऑफर क्या करते हैं चाय पी लो जी कॉफी पी लो जी बीड़ी पी लो जी सिगरेट पी लो जी शराब पी लो जी ना घूट अंदर गम बाहर भा, नहीं मुस्क, टेंशन वाले लोग कोई ऑफर करेंगे ना लोग मुस्कुराते लोग कोई को कहेंगे भाई साहब बीड़ी पी लो आप सिगरेट पी लो कोई नहीं कहेगा ना ऐसे लोग बीमार होते हैं बी बी फियर मारी मिस कॉन्स्टेंसी ऑफ है ना इसकी वजह इनर सेल्फ कॉन्शियस आप हो जाओ तो क्या होगा स्टेबल फुल प्रूफ सिक्योरिटी आत्मा के सात गुण आपके मैनिफेस्ट हो जाते हैं और वो शांति प्यार खुशी आपके जीवन में आ जाती है और इसके इसके कॉम्बिनेशन से वैल्यूज़ बन जाती है सत्यता निर्भयता एकाग्रता नम्रता सरलता धैर्यता है संतुष्टा, संतुष्टता हर्षित मुक्ता और ये स्ट्रेस फ्री आदमी है ये जीने के लिए खाता नहीं है ये जीने के लिए खाता है वो खाने के लिए जीता था ये जी इसका खुशी पहले से है इसलिए हेल्दी फूड खा सकता है ऐसा आदमी डेली सैर करता है ऐसा आदमी समय पर सोते सोते ही नींद आ जाती है एकदम क्योंकि पहले ही डेल्टा रिदम में रहता है थीटा रिदम में रहता है डेल्टा रिदम में अपने आप एक सेकंड में पहुंच जाता है ये आदमी हमेशा कैसे रहता है बीटा प्लस सुपर बीटा में रहता है गामा रिदम में रहता है चालीस पे रहता है नींद आने में तीन घंटे लगते हैं डेल्टा में पहुँचने में तीन घंटे लगते हैं दस बजे सोने जाएगा एक बजे नींद आ जाएगी क्या हुआ और ऐसा आदमी को मुस्कुराते व्यक्ति कोई नहीं कहता कि बीड़ी सिगरेट वो तो ना कर सकता है ना और ऐसा आदमी हेल्दी हैप्पी रहता है तो स्ट्रेस का यही फार्मूला है स्ट्रेस इज टू प्रेशर्स डिवाइड बाई इनर स्ट्रेंथ आत्मिक शक्ति बढ़ा लो तो क्या होगा आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगी स्ट्रेस फ्री आप क्या बन जाएंगे बेगमपुर के बादशाह क्या बन जाएंगे आप सब बेगमपुर के बादशाह बेगमपुर देखा आपने नहीं देखा बेगम जहां कोई गम ना हो है ना ठीक है तो आपका घर क्या बन जाएगा बेगमपुर बन जाएगा तो मेडिटेशन क्या है छोड़ देता हूं इसको तो मेडिटेशन क्या है रियलाइजिंग द ट्रूथ एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ लिविंग द ट्रूथ बीइंग द ट्रूथ अल्टीमेटली बिकमिंग द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ आप सांस सुबह शाम लेते हो आधा घंटा सुबह शाम लेते हो सारा दिन लेते हो कैसे करते हो कई लोग कहते हैं हम बीस मिनट सुबह मेडिटेशन करते हैं बीस मिनट शाम को करते हैं काफी है क्या मेडिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ जैसे सांस लेना इज अ वे ऑफ लाइफ ब्रीदिंग इज अ वे ऑफ लाइफ इसी तरह से मेडिटेशन माना मैं आत्मा हूँ बीइंग हूँ चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इसको अनुभव करते रहो मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ चलते फिरते अनुभव करो एक एक संबंध को चलते फिरते अनुभव करो हर काम में अनुभव करो और ये ड्रामा जो मेरे साथ चल रहा है ना जो घर में चल रहा है बाहर चल रहा है ये ड्रामा है ड्रामा माना कोई व्यक्ति मेरी रोज़ इंसल्ट कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि मैंने उसकी इंसल्ट पिछले जन में की हुई है अभी ब्याज के साथ कर रहा है अगर सौ साल पहले किसी से आपने दस रुपया उधार लिया था सौ साल के बाद कितना ब्याज हो गया उसका पता है आपको कितना हो गया मैंने हिसाब लगाया था पर तीन दिन पहले लगाया था बोर्ड पे, दिल वालों के सामने चार करोड़ अट्ठारह लाख पैंतीस हजार चालीस रुपया होता है हु? सुना तो दस वो जो बच्चे हैं ना आपके बच्चे हैं बीबी है पति है या सास ससुर है या माँ बाप हैं भाई बहन है बिजनेस पार्टनर है या आपके साथी हैं बाई है या जो भी ऊपर नीचे काम करने वाले हैं वो कौन है उनसे पैसे आपने उधार लिए दस दस रुपये उधार लिया था दो गाली दी थी पिछले जन्म में दो बार इंसल्ट की थी इस बार इस जन्म में कितनी इंसल्ट होगी बोलो आपकी कितनी बार इंसल्ट होगी और चुपचाप सह लो नहीं तो पेनल्टी के साथ डबल हो जाएगा ठीक है समझ में आएगी नहीं आई तो ये ड्रामा इसे कहते ड्रामा और सुख दिया था सुख भी सुख भी प्याज के साथ मिलता है ऐसा नहीं सुख 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 दिया था वो भी आज के साथ मिलता है दुख भी ब्याज से इंसल्ट भी ब्याज के साथ मिलती है इसलिए कहा जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है क्या हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है जो होने वाला है क्योंकि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं अभी तो सब बहुत अच्छा होने वाला है अभी तक जो बुरे कर्म किए थे ना हमने वो उसकी वजह से ऐसा हुआ है ठीक है तो ये जितना इसको रियलाइज करते जाओगे अपने मन में पवित्रता आएगी शांति आएगी प्रेम आए खुशी आएगी तो ये ए पी सी डी राजू का मेडिटेशन क्या है रियलाइज द ट्रूथ ट्रूथ इज ए पी सी डी आत्मा परमात्मा संबंध और ड्रामा तो ये कॉन्सेप्ट है हेल्दी हील प्लस दाई मैं समझता हूँ पाँच मिनट में पूरा कर देता हूँ हेल्दी हील प्लस दाई हील दाई सेल्फ यू आर हील यूर सेल्फ मैं बहुत एक्चुअली बुलेट ट्रेन की माफिक जा रहा हूँ अभी ना टाइम कम है ना तो मैं तो एक ही इंसान है जो आपको ठीक कर सकता है वो कौन है सिर्फ आप हैं डॉक्टर गाइड कर सकता है रिश्तेदार मदद कर सकते हैं भगवान भी आपको हील नहीं कर सकता आप एक कदम चलते हो भगवान की श्रीमत पे तो आपको हजार कदम आपकी मदद करता है और हेल्दी मतलब स्वस्थ स्व मींस इनर सेल्फ अंदर वाला मैं स्था मींस कॉन्शियस तो हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आई वंडर वट यू आर कवि कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ये सितारा है चमक रहा है सब कुछ चल रहा है आई वंडर हाउ वट यू आर अभी हम क्या गाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नाउ आई नो हु आई एम अप अबाउट द वर्ड्स एक और स्टार है लाइक ए डायमंड कहां पर इन द स्काई और अबाउट द स्काई अबाउट द स्काई तो ये कविता एक कविता में आत्मा परमात्मा समाया हुआ है ठीक है ये कविता गा के भी आप मेडिटेशन कर सकते हो है ना अंदर अंदर गा लो मेडिटेशन हो जाएगा और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है ना परमात्मा हमें ज्ञान दे रहा है इन्फॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग अपने बारे में आत्मा के बारे में मन के बारे बॉडी के बारे में और हमारी घड़ी अंदर वाली घड़ी जैविक घड़ी बायोलॉजिकल था क्लॉक हाइपोथेलिमस में उसके बारे में तीनों की हारमोनी कर दो तो ठीक हो जाएंगे आत्मा के छोड़ देता हूँ माइंड इंटेलेक्ट ये छोड़ देता हूँ ये जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं ना हम सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन सूक्ष्म शरीर हमारा मन है माइंड टीम पॉजिटिव टीम मीन्स फरिश्ता एंजल बुद्धि में ज्ञान हो ये वाला ज्ञान ए बी सी डी और माइंड में भी ले आओ अपनी स्मृति वृत्ति भावना संकल्प में ले आओ तो मन क्या बन जाएगा फरिश्ता बन जाएगा और बन जाएगा और संस्कार आदत बदल दो तो देवता बन जाओगे ठीक है ये सात एनर्जी है फार्मूला क्या है के पी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर नॉलेज जितना इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करोगे आपके अंदर क्या आएगा मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी जितनी पवित्रता आएगी उतना क्या होता है शांति आती जाएगी पास्ट का चिंतन खत्म भविष्य की चिंता खत्म जितना शांति में रहोगे सबको स्वीकार कर पाओगे सबको स्वीकार कर पाएंगे उसे प्यार कहते हैं अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर और उतना फिर आनंद हैप्पीनेस इच्छाएं कम हो जाएंगी तो आप ब्लिस हैप्पीनेस फील करोगे और ब्लिस फिर आनंद की अनुभूति करेंगे और आनंद के बाद शक्तियाँ आएंगी कौन सी शक्ति राइट और राउ को परखने की शक्ति निर्णय करने की शक्ति बड़ी बात को छोटा पहाड़ को राई बनाने की शक्ति समेटने की शक्ति और उससे आपके अंदर सहन शक्ति समाने की शक्ति सामना करने की शक्ति सहयोग करने की शक्ति आठ शक्तियाँ होती हैं और इससे आपकी आत्मा जिसके पास सात एनर्जी हैं तो आत्मा क्या करती है मन के माध्यम मन के थ्रू माइंड टीम के थ्रू बॉडी को एनर्जी देती है और बॉडी के हर अंग को एनर्जी चाहिए सातों एनर्जी चाहिए एक अंग स्पेशल है जैसे हार्ट के लिए लव लंग्स के लिए शांति इम्यून सिस्टम के लिए प्योरिटी ब्रेन के लिए ज्ञान है ना तो ऐसे सिस्टम ये सोल माइंड बॉडी मेडिसिन का कॉन्सेप्ट यही है कि अपने चार से पाँच अपने आप को मेडिटेशन करो एनर्जी से भर लो फिर पाँच बजे के बाद आठ बजे तक चुप रहो हम मुरली सुनते हैं रोज ताकि हमारी टीम पॉजिटिव रहे क्योंकि उठते ही हमारे थॉट्स चलने लगते हैं इमोशंस चलने एटीट्यूड जो भी हमें दिन सात दिन काम करना है उसके बारे में हमारे थॉट्स चलते हैं तो उससे क्वार्टिसोल निकलता है अगर हम अखबार पढ़ते टी वी पढ़ते टी वी देखते मोबाइल पर व्हाट्सएप देखते फेसबुक देखते क्या होता है तो नेगेटिव होता है अधिकतर तो उससे हमारी बहुत ज़्यादा कार्टिसोल निकल जाता है कार्टिसोल अधिक निकल गया तो क्या होगा आप सारा दिन जल्दी चिंता गुस्सा में रहेंगे इरिटेट होते रहेंगे तो आठ बजे तक आप टीम को पॉजिटिव रखेंगे आप तो क्या होगा आपका कार्टिसोल बैलेंस में निकलेगा और फिर आपकी क्या होगा क्या होगा आपकी जो है ना वो अपनी सारा दिन बैलेंस तो सारा दिन शांति प्यार खुशी हो और फिर बॉडी की बॉडी से एनर्जी बाहर आ जाए जो शांति प्यार खुशी की एनर्जी आपके आसपास आभा मंडल बना दे उसके लिए शुद्ध सात्विक भोजन खाओ शुद्ध सात्विक सैर करो और प्रॉपर दवाई खाओ और प्रॉपर नींद करो दस बजे सो जाओ चार बजे उठ जाओ तो तीनों एनर्जी की हारमोनी को ही करें तो आप हेल्दी बन जाएंगे ये ऐसे प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ ये देखिए प्रोग्राम जो होता है ना हम लोग बिना टांग वाले भी चल पाते हैं ना मेडिटेशन करते हैं ग्रुप सपोर्ट सेशंस करते हैं पिकनिक करते हैं डांस करते हैं है ना और फिर ये अभी हम क्या कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल और कॉलेजों में हमारे दिलवाले वाले नौ हज़ार से अधिक ज़्यादा दिलवाले सारे भारत में विदेशों में भी जा कर के सेवा करते हैं लोगों को इन्फॉर्म करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और अभी हम नौ हज़ार से ज़्यादा दिलवाले हम कर चुके प्रोग्राम कर चुके हैं एक सौ पचासवा प्रोग्राम अभी चल रहा है और हम इसमें हमारे पंद्रह से ज़्यादा रिपीट एंजियोग्राम हुए हैं और डिफरेंट देशों में क्योंकि ब्रह्मा कुमार इसका नेटवर्क एक सौ चालीस देशों में है तो हर देश में प्रोग्राम फैल रहा है मेन टेक टेक्टिको मैसेज क्या स्पिरिचुअल केयर आप जहाँ भी कुछ भी करो अपने आप को नेचुरल बन रहो मैं आत्मा हूँ कोई भी काम करो और इसके लिए चार से पाँच मेडिटेशन जरूर करो आधा घंटा आनंद का अनुभव करो और मेंटल केयर टीम पॉजिटिव रखो अपनी आठ बजे तक टीवी अखबार मोबाइल आठ बजे के बाद यूज़ करो और इसके लिए मुरली सुनने सेंटर पे जाओ हम हाँ। मुरली जो है हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव टीम है हमने आज तक कभी मिस नहीं किए है चौंतीस साल में है न और फिज़िकल केयर बॉडी के लिए फिजिकल केयर ईट नेचुरल शुद्ध सात्विक भोजन समय पर खाओ चबा चबा के खाओ परमात्मा की याद में खाओ बोलो नहीं खाना खाते समय बोलो नहीं बोलते तो हवा भी खा लेते हो साथ में फिर खाना पचता नहीं है दस बजे सो जाओ चार बजे उठ जाओ और सुबह सुबह सूर्य उदय के बाद पेट साफ करने के बाद वॉकिंग करो और शाम को सोने के पहले क्या करो सॉरी शाम को अंधेरा होने से पहले फिर आधा घंटा टहल लो और दस बजे सो जाओ चार बजे उठ जाओ और प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन खाओ और अगर आपको एंजियो प्लास्टिक बाईपास करें वो भी करा लो तो अल्टीमेटली फिर आपको ब्लॉक वापस होने वाले हैं इसलिए पहले से लाइफस्टाइल चेंज कर लो ओम शांति एक मिनट सुनो ये जो मेघराज भाई है इसको 20 19 साल हो गए तीनों आर्टरी ब्लॉक थी इसके खुल गए है ना एक मिनट बाद में बता दें ज्ञान सिंह भाई अपना ज्ञान सिंह भाई सुना दे ठीक है ये मेघराज भाई बॉम्बे से हैं टीचर हैं सेवेंटी वन ईयर के हैं अभी ना सारी जगह एक्टिविटी करते हैं या जो भी और ये जो हैं पीछे बैठे ना भाई हमारे राम कुमार दुमन रोहतक के हैं इनकी चार बार एन प्लास्टी हुई है एक साल में उसके बाद ठीक नहीं हुए आप लगभग दस साल से इस प्रोग्राम में रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और अभी बिल्कुल ठीक है ना अभी ज्ञान सिंह भाई हमारे इस ग्रुप के हीरो हैं है ना <laughs> दिल वालों के हीरो हैं वो अपना अपना अपनुभ सुनाते हैं इनकी बात ध्यान से सुनना कैसे परिवर्तन ओम शांति मैं आत्मा हूँ शरीर का नाम ज्ञान सिंह डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से मैं आया और गांव का रहने वाला हूँ काम हमारा खेती बाड़ी का तो जैसे गांव का जीवन था बचपन से ही बुराइयाँ शुरू होगी और पांचवीं छठी क्लास में बीड़ी पीना स्कूल से छिपना दसवीं क्लास में गए तो घर से बाहर रहना यानी कि मैं बचपन से थोड़ा शरारती लोफर आवारा टाइप से का बच्चा था और मेरे से दो बड़े भाई थे माँ बाप थे सब कुछ ठीक था काम खेती बाड़ी का था तो मैं शोरट में ही सुनाऊँगा अचानक क्या हुआ कि मेरे उससे जैसे जैसे मैं दसवीं में घर से बाहर रहना तो मेरे जीवन में बीड़ी सिगरेट ताँ जुआ मीट मांस लड़ना झगड़ना पुलिस थाना कोर्ट जेल सब मेरे को देखा हुआ था तो फिर अचानक क्या हुआ कि मेरे से दो बड़े भाई थे उन्होंने ट्रैक्टर पलटने से शरीर छोड़ दिया उनकी डेथ होगी तो जब मेरा तनाव बीड़ी से सिगरेट से शराब से भी दूर नहीं हुआ तो मैंने अफीम खानी शुरू कर दी शुरू में शौक से खाई फिर आदत हुई फिर मजबूरी हुई तो 2003 के अंदर मेरे को अटैक हुआ मेरे को पता नहीं था अटैक क्या है तो मैं घर पे ही था तो छाती में दर्द हुआ उल्टी जैसा आया पसीना आया बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो हमारे को पता नहीं था भाई ये अटैक है तो घर शराब पड़ी थी मैंने पौआ सारा पी लिया दर्द कम नहीं हुआ पौआ सारा फिर पी लिया पौण बोतल पी गया मेरी दर्द कम नहीं हुआ बस जैसे तैसे मेरी रात कट गई फिर चार पाँच दिन के बाद मैं करनाल में गया हुआ था तो वहाँ भी मेरे को दोबारा से अटैक हुआ उल्टी आई पसीना आया तो एक हमारे साथी था उसने कहा भाई इसको तो हार्ट अटैक है तो मेरे को एक हार्ट के हॉस्पिटल में भर्ती कराया उन्होंने मेरे को ई वगैरह देखी तो उन्होंने कहा कि इसको तो बहुत ज़्यादा तगड़ा अटैक है और इसको तो दिल्ली भेजना पड़ेगा तो उन्होंने मेरे को एक बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली भेज दिया वहाँ इंजोग्राफी कराई तो पाँच ब्लॉकेज निकले एक निन्यानवे परसेंट पचासी दो पचास और एक पचपन

पड़ोस में ही था उन्होंने कहा कि इसके दो भाई तो पहले चले गए अब इसको भी अटैक हो गया इसका भी नंबर आने वाला है तो उसने कोई टूंट वैसे नहीं कहा था उन्होंने शुभ भावना से कहा था तो घर का परिवार का क्या होगा तो उस भाई ने कहा कि माउंट आबू में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं जो कैड का प्रोग्राम चलाते हैं थ्री डी हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाते हैं कि भाई वहाँ आप जाएंगे तो बिना चीर फाड़ के बिना ऑपरेशन के मेडिसन और मेडिटेशन से हार्ट का इलाज होता है इंजोप्लास्टिक तो मैंने करा के देख लिया था उससे मैं ठीक नहीं हुआ था जब मैं खेत में जाता था तो मैं बाइक से या ट्रैक्टर से जाता था मेरे को सांस बहुत ज़्यादा फूलता था तो इस तरह से जब मैं यहाँ प्रोग्राम में आया कैड में तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये तो कोई ख़ास ज़्यादा बीमारी नहीं है और आप है ना जब भी प्रोग्राम होगा तो आपको यहाँ बुलाएंगे अपने आपकी वाइफ के साथ तो मैं 16 अगस अगस्त से 24 अगस्त 2004 को आया था इसमें प्रोग्राम में तो पहले दिन सैर कराते हैं तो मेरे से एक चक्कर भी नहीं लग पा रहा था और सातवें दिन मैंने प्रोग्राम अटेंड किया तो एक मिनट में पंता पैंतालीस मिनट और एक मिनट में 120 स्टेप के हिसाब से मैंने सैर की बीच में बिल्कुल नहीं रुका और डॉक्टर साहब ने जब समझाया सबसे पहले की यही बात बढ़िया लगी कि भाई आप आत्मा हैं शरीर नहीं शरीर को चलाने वाली शक्ति हैं कि आत्मा के मुख्य सात गुण हैं ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियाँ और हमारे शरीर के आठ अंग हैं ब्रेन हमारी इम्यून सिस्टम लंग्स हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्मोन सिस्टम ज्वाइंट्स मसल और अड्डियाइन तो आपस में क्या संबंध है तो ज्ञान का संबंध डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे ब्रेन से है पवित्रता का संबंध हमारी कर्मेंद्रियों से है इम्यून सिस्टम से है शांति का संबंध हमारे फेफड़ों से है प्यार का संबंध हमारे हार्ट से है और हाँ, डाइजेस्टिव खुशी का संबंध हमारे लीवर से है और सुख का संबंध हमारे पेट से है और हार्मोन का संबंध हमारे हार्मोन सिस्टम से है आनंद का संबंध हमारे हार्मोन सिस्टम से है और शक्तियों का संबंध हमारे मसल ज्वाइंट्स और हड्डियों से है तो जैसे डॉक्टर साहब मैं तीसरी लाइन में बैठा था तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे और आनंद की स्थिति का अनुभव करेंगे तो अंदर से इंडोर निकलेगी तब मैंने एकदम ये कलिक हुआ मेरे को विचार आया जब मैं जब अंदर से असली अफहीम निकल रही है तो बाहर से खाने की क्या ज़रूरत है तो मैंने उसी समय संकल्प किया कि आज के बाद मैं अफीम नहीं खाऊंगा और उस दिन के बाद मैंने ताश जुआ बीड़ी सिगरेट मीट मांस ये सब कुछ छोड़ दिया और सबसे बड़ी प्रेरणा मैं लगी थी जब हम 16 अगस्त 2004 को आए थे तो कैड का इनोग्रेशन था स्वागत सत्र था तो उसमें हमारे ये डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी भी आए थे तो उन्होंने बताया कि गुप्ता जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है यहाँ वीरवार के दिन मालपूड़े का जलेबी का हलवे का भोग लगता है हम एक ही साथ बैठकर खाना खाते हैं तो हम डॉक्टर गुप्ता जी को बोलते हैं कि आप है ना थोड़ा सा भोग ले लो ये तो बाबा का लगाया हुआ भोग है तो डॉक्टर साहब ने गुप्ता जी ने ये कहा यदि मैं खाऊंगा तो मेरे पेशेंट पे क्या असर पड़ेगा तो हमारी युगल भी वाइफ भी साथ में आए हुए थे उन्होंने इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात ये लगी थी उन्होंने कहा देखो है जाना पूरी दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए परहेज नहीं करता कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए परहेज नहीं रखता यहाँ डॉक्टर मरीज के लिए परहेज रख रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है <laughs> तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने जब ये हम सात दिन का करके गए तो खेत में काम था हमारे तीन महीने हो गए थे मेरे को फॉलो करते हुए तो मेरे को उमंग आया शरीर में भी जान आ गई और मैं मतलब मन में भी पूरी पावर आई तो उन मजदूर खेत में लगे हुए थे और मेरे बेटे भी थे उनसे पहले मैं काम पे लग गया था उन काम किया और उनसे देर तक काम किया और मैंने ये महसूस किया कि मेरा हार्ट ऐसा है जैसे पंद्रह सोलह साल के लड़के का है कस्सी से काम किया मैंने पूरे छह घंटे से भी ज्यादा मजदूरों से ज्यादा तीन महीने में जबकि मैं जिस दिन आया था अगस्त में तो मैं एक चक्कर भी पार्क में नहीं लगा पाया था और दूसरी बात मैं बताता हूँ जब मेरे को तीन महीने फॉलो करते हुए मेरी सारी बुराई छूट गई सारी बीमारी छूट गई और सारे व्यसन छूट गए तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया तो हमारे गांव में एक मास्टर जी थे उन्होंने कहा कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी संस्था तो है ना अमीरों की संस्था है इसमें विदेश से पैसा आता है धर्म परिवर्तन करते हैं इसमें कहाँ जाने लग गए कहाँ फंस गए तो मैंने भी शुरू शुरू में सोचा भाई ये तो बहुत अमीरों की संस्था है बहुत बड़ी बिल्डिंग है लोग बोर्ड रॉयल्टी से रहते हैं जब मेरे को पाँच चार पाँच महीने हो गए थे छः महीने तो मेरी सारी दवाइयों का खर्चा सारे तांस बीड़ी जुए मीट मांस का खर्चा बचा तो मैंने उस मास्टर जी को जाके कहा एक दिन मिल गए थे तो कि ब्रह्मा कुमारी अमीरों की संस्था नहीं है इसमें जो जाएगा वो अमीर बन जाएगा वैल्यू से भी और पैसों से भी और इस तरह से अब अच्छा जब मैं 2003 के आसपास से ट्रैक हुआ मेरे को तो उस टाइम मेरे लगभग पंद्रह हज़ार रुपये खर्चा था तांस का बीड़ी का काफीम का शराब का सब मिला के तो एकदम से मैंने छोड़ दिया तो फिर जब डॉक्टर साहब ने कहा भाई आप सेवा के लिए आ जाओ मैं एक दो बार आया तुम्हारे घर वाले कहने लगे भाई बार बार अब तो आप ठीक हो गए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जाने की क्या जरूरत है तो फिर मैंने उनको कहा यदि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैड प्रोग्राम में नहीं जाता तो मैं बीमार रहता और हर साल मेरे को दिल्ली डॉक्टर के पास अस्पताल में जाना पड़ता तब भी तो आप मेरे साथ भी जाते पैसे भी लगाते टाइम भी देते तो मैं यहाँ से ठीक हुआ हूँ तो मैं जाऊँगा तो हमारे घर वालों ने बिल्कुल खुशी से छुट्टी दे दी कि आप जब भी बुलावा आए तो चले जाओ ओम शांति